पहाड़ पर भारी बारिश ने बरपाया कहर। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फटा बादल, आ गया सैलाब। बादल फटने के बाद हाई अलर्ट पर केदार घाटी, चारधाम यात्रा पर लगा दी गई फिलहाल रोक। मंदाकिनी नदी में बाढ़ से गोरीकुंड में मची अफरा तफरी। भीमबली में सैलाब अपने साथ बहा ले गया दो पुल। लिंचोली क्षेत्र में भी पैदल मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त, हजारों की संख्या में फंसे श्रद्धालु। केदार घाटी में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा, लगातार मूसलाधार बारिश और फिर पैदल मार्ग पर बादल फटने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। तबाही की ये तस्वीरें केदार घाटी से लगातार सामने आ रही हैं और दहशत बढ़ा रही हैं। चलिए दिखाते हैं आपको एक एक तस्वीर, ताकि आप समझ पाएं कि पहाड़ में जब आसमानी अटैक होता है तो कैसा मंजर होता है। सबसे पहले देखिए केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली क्षेत्र का हाल। यहाँ बादल फटा और तबाही मच गई। पैदल यात्रा मार्ग का 20 से 25 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बादल फटने के बाद हर तरफ सिर्फ बड़े बड़े पत्थर पड़े नजर आए। इसके अलावा यहाँ रास्ता पार करने वाले दो पुल भी सैलाब में बह गए। भीमबली में जहाँ बादल फटा वो जगह रामबाड़ा से थोड़ी पहले है। रामबाड़ा वही जगह है जो 2013 की आपदा में नक्शे से मिट गई थी। अब भीमबली में कुछ वैसे ही हालात बुधवार रात बादल फटने के बाद नजर आए। रोंगटे खड़े कर देने वाली एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर सोनप्रयाग से गोरीकुंड के बीच सड़क मार्ग की है, जो जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे यहाँ से गुजरने वाले चारधाम यात्रियों को तुरंत ही रोक दिया गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग से भीमबली के बीच आई इस तबाही की वजह से सैकड़ों चारधाम यात्री फंस गए। SDRF, NDRF और पुलिस की टीम मौके पर ही मौजूद थी, लेकिन फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए पहाड़ों के ऊपर से वैकल्पिक मार्ग बनाकर लोगों को निकाला गया। केदार घाटी में लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आया। ये तस्वीरें वही हैं। लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटने से रामबाड़ा, भीमबली और लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। जंगल चट्टी में बादल फटने के बाद सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रुद्रप्रयाग के DM सौरभ गहरवार ने खुद मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। हालांकि जंगल चट्टी में तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया था, लेकिन फिर भी कई यात्री वहां रह गए थे, जिन्हें SDRF के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। बचाए गए लोगों में श्रमिक भी शामिल थे। DM ने बताया कि कोई भी यात्री अब किसी रास्ते पर नहीं फंसा है, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। केदारनाथ में दो जगह बादल फटने के बाद का मंजर आपने देखा। अब घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर मुयाल गांव के पास के हाल देख लीजिए, जहां मोटर पुल ध्वस्त होने से कई श्रद्धालुओं की जान मुश्किल में फंस गई। SDRF की टीम ने 100 से ज्यादा यात्रियों और ग्रामीणों को रस्सी की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। केदारनाथ में लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी भी विकराल रूप में दिख रही है। मंदाकिनी नदी के विकराल रूप धारण करने से बुधवार को गोरीकुंड में गर्म कुंड भी बह गया। खतरे को देखते हुए नदी किनारे की दुकानों और होटलों को खाली करवा दिया गया। मंदाकिनी के अलावा दूसरी छोटी नदियां भी उफान मार रही हैं और वहां के इलाके भी पूरी तरह खाली करा लिए गए हैं। केदारनाथ में भीषण तबाही के बीच ऊखीमठ के SDM अनिल कुमार शुक्ला ने क्या अपडेट दिया वो सुन लीजिए। पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भीमबली के बीच में, और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में दो पुराने पैदल ट्रैक के दो पुल बह गए हैं, और इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग में बाजार से 1 किलोमीटर ऊपर वॉशआउट रोड हो गया है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर आ गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है ट्रैक, पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहां पर थे रात देर रात को रोक दिया गया,
और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है, यात्रा ना करें। और कोई कहीं फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि यात्रियों को जगह जगह रोका गया है, कोई फंसा हुआ नहीं है। पहाड़ पर लगातार कई जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सीएम धामी ने सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सीएम ने सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और कहा कि आपदा से निपटने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो फौरन किया जाए, जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जाए और सभी तरह के जरूरी बंदोबस्त भी किए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में बुधवार रात भारी बारिश की वजह से आई आपदा से प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा भी किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी सीएम के साथ मौजूद रहे। हवाई निरीक्षण करने के बाद सीएम धामी ने रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिया। सीएम ने अफसरों से कहा कि फंसे हुए लोगों के लिए फूड पैकेट्स, पानी और दवाओं समेत जरूरी चीजों का इंतजाम किया जाए। ठीक है, मैं करता हूँ। आपको जबकि रात के जो बारिश से भारी बारिश से तीन चार स्थान पर और आसपास के आसपास जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, काम हुआ है, मार्ग बनाने की कार्रवाई दिल्ली और की जा रही है, काम चल रहा है और जो लोग वहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी काफ़ी लोग निकाले जा सकते हैं और आगे निकालने के लिए निकाला जाए, जो लोग हैं सब सुरक्षित हैं, जल्दी से जल्दी हमारी यात्रा सुचारू रूप से होती है, उसके लिए सारे प्रयास संभव है। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन में आफत की बारिश लगातार जारी है और ये बारिश प्रदेश में अब तबाही भी मचा रही है। बुधवार रात की बारिश और बादल फटने की घटनाओं में अलग अलग जगहों से 9 लोगों के मरने और कई लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। मौसम विभाग कह रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि बादल अब लगातार बरसेंगे। समय समय पर अलर्ट भी दिया जा रहा है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील भी की जा रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।